प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस रोजगार मेले के तहत पूरे देश भर से चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर से 250 अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस रोजगार मेला कार्यक्रम के माध्यम से गृह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPFS जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF सीमा सुरक्षा बल BSF सशक्त सीमा बल SSB असम राइफल्स सेंटर में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। औद्योगिक सुरक्षा बल CISF भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITPP और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCP के साथ साथ दिल्ली पुलिस देश भर से चुने गए अभ्यर्थियों को गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी और गैर सामान्य ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न पदों पर शामिल होंगे। सभी जो कैडेट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ और निश्चित रूप से आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मुझे एयरपोर्ट जाना है, रोड ही शुरू हो गया है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ता है। इसलिए आदरणीय रामदास आठवले जी बाकी लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आपको छोटे से बड़ा करने का था और आज इनको संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। बहुत सारे नौजवान लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमते रहते हैं तो नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, ये बहुत बार नौकरियां नहीं मिलती है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से हम स्वयं रोजगार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। गाँव गाँव में तहसील में जिले में अपने अपने लोगों को उद्योग में लगाना चाहिए। मेरे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की एक स्कीम है वेंचर कैपिटल फंड, उसमें 15 करोड़ तक हम छोटे मोटे कंपनियों के लिए लिमिटेड कंपनी बनाकर अगर आप लोन देते हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों का इस दौरान नितिन गडकरी और रामदास आठवले इन्होंने अभिनंदन किया। साथ ही इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अमृत काल के दौरान अमृत रक्षक के रूप में नए चयन के लिए नियुक्त लोगों को बधाई दी। उन्होंने उन्हें अमृत रक्षक कहा क्योंकि नई नियुक्तियां न केवल देश की सेवा करेंगी बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इस अमृत काल के अमृत रक्षक हैं। प्रधानमंत्री ने इसे रेखांकित किया कि ऐसे समय में मैं बेरोजगार मेले का यह संस्करण ले रहा हूँ जब राष्ट्र गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।